बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ इतने देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, इतने पेशेंटली सभी लोग यहाँ बैठे हैं। तो हम भी आपको निराश आज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस उम्मीद से आप यहाँ बैठे हैं उतना आप पूरा मज़ा भी लें, पूरा एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। जहाँ से भी आप आए हैं, हमारा बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के साथ हम शुरू करेंगे आज का प्रोग्राम। और उम्मीद करते हैं आपका आज का दिन अच्छा खासा निकला होगा। भाई हमारा तो निकला आप सभी के इंतज़ार में कि कब शाम होगी, कब हम सभी मिलेंगे और कब हम ये धमाकेदार प्रोग्राम द कॉमेडी हाइट्स आपके लिए लेकर आएंगे। और इससे पहले कि ये प्रोग्राम हम शुरू करें, आपको सबसे पहले बता दें कि ये इवेंट आप तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान है जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं उनका। तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं एक्सट्रीम इमेजिनेटर्स, द मीडिया हाउस इन एसोसिएशन विद अतरंगी म्यूजिक स्टूडियो एंड बीबीएन वर्ल्ड न्यूज। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मीडिया प्रोडक्शन, ऑडियो वीडियो एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन के लिए। और साथ ही हम कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज हैं वॉइस ओवर्स में, डबिंग में, साउंड इंजीनियरिंग में भी। क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत जो है, प्रोग्राम की शुरुआत की जाए एक ऐसी चीज से जिसमें सभी को इंटरेस्ट होता है, और वो क्या है? म्यूजिक है ना। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार बैंड परफॉर्मेंस से। आपके लिए आ रहे हैं हमारा बैंड सुपर परफॉर्मेंस लेके। प्लीज उनका स्वागत तालियों के साथ कीजिएगा, उनका हौसला बुलंद कीजिएगा। थैंक यू। जितनी हंसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों ही बातों में खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे उतनी सी भी खबर के तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना, चुपके से आके तूने समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। वो मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में जिंदगी। सो मच, अच्छा लगा तो थोड़ी बहुत ताड़ियां मार सकते हो मेरे लिए। सो ये छोटा सा साउंड चेक था। अच्छा, पुराने गाने तो सभी सुनते होंगे ना, तो ये गाना सूट भी करता है आज के मौसम के ऊपर, सभी को आता होगा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी से, थोड़ी कम आवाज आ रही है तो गा सकते थोड़ी मेरे साथ। क्या बात है, इतने सारे सिंगर्स, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। उसकी जगह मैं क्या गाता हूँ ऐसे? मेरे सामने वाली कुर्सियों पर कहीं चांद से टुकड़े बैठे हैं, मेरे सामने वाली कुर्सियों पर कहीं चांद से टुकड़े बैठे हैं। अफसोस ये है कि वो मुझसे कुछ टुकड़े उखड़े उखड़े बैठे हैं। क्या फिर ऐसे तो मैं कहूँ ना, तो सिंग इट। अच्छा सारे सुनते हो ना पुराने गाने? आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा
तुझे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई मैंने जो प्यार में ऐसा काम कर दिया प्यार की राह में अपना नाम कर दिया मैंने जो प्यार में ऐसा काम कर दिया प्यार की राह में अपना नाम कर दिया प्यार की राह में अपना नाम कर दिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई ये चांद सा रोशन चेहरा सुर्खों का रंग सुनहरा ये जीवस नीली आंखें रास हैं मैं गहरा तारी पुकर क्या उसकी जिसने मुझे बनाया तारी पुकर क्या उसकी जिसने तुझे बनाया हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया और समझाया यही न समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही न समझा बहुत बोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा ना गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ मर्ग तू चमके किस्मत उसकी दिल मेरा है उसकी ना गंज रहे ना खुशकी जिसके सर पर हाथ मर्ग तू चमके किस्मत उसकी सुन 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 मेरा बाबा सुन इस संगीत में बड़े बड़े गम सुन 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 बड़े बाबा सुन इस संगीत में बड़े बड़े गम लाख लोगों की ये जज्बा है क्यों ना आसमान काहे घबरा ऊपर ने कलर से परंपरा मेरा चिकना है अगर तेरा दिल चुपा जाए आजा प्यारे पास मारे गाने घबरा थोड़ी बहुत पंजाबी तो सबको आती होगी ना सुन मतलब कुड़ियां की कहती मुंडिया ने ध्यान ना सुनो कुड़ियां कहती है मुंडिया ने ठीक है बागे बिच आया करो बागे बिच आया करो जदू असी समझाई तुसी मक्खियां उड़ाया करो जदू असी समझाई तुसी मक्खियां उड़ाया करो हुण मुंडे की कहंदे कुड़ियां नूं जवाब की दिंदे तुसी कुड़ियां नूं कहंदे तुसी रोज नहाया करो तुसी रोज नहाया करो मक्खियां तो डरदे अच्छा अभी अपने अपनी सीट पर बैठ के डांस कर सकते खड़े नहीं होंगे लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ सानू भी छुटा दे तू कितने गले गले जाई जाने ओ सानू भी छुटा दे कितने गले गले जाई जाने थैंक यू सो मच अच्छा लगा तो साथ साथ तालियां मारते रहना और जो यहाँ परफॉर्म करते हैं ना उन्हें इंस्टेंट एक आप अगर हम बोलेंगे प्राइज मिलता है एक सेटिस्फैक्शन मिलती है और साथ के साथ इनाम भी मिल जाता है आपकी तालियों के रूप में तो तालियां खुल के दिल खोल के मारिएगा जितनी भी परफॉर्मेंस होती है थैंक यू और अब हमारे आज के एक्ट जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब आपको बता दें कि आपके बीच में आने वाले हैं वो जो है मल्टी टैलेंटेड अब इनके बारे में क्या बताएं ये हैं थिएटर आर्टिस्ट मूवी में भी एक्ट कर चुके हैं रैपर भी हैं और भी कई प्रतिभाओं के धनी हैं और इनका नाम है हिमांशु शर्मा वैसे तो इनका नाम है लेकिन हम इन्हें प्यार से शर्मा जी बुलाते हैं तो शर्मा जी आप जहां भी हैं
जरा आ जाइए स्टेज पर, सभी आपको देखने के लिए बेताब है। प्लीज वेलकम हिमांशु शर्मा जी। कैसे हो हम बाला वालों? किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा तो नहीं कर रहे थे, वो जो पोस्टर पे हैं उनका इंतजार कर रहे थे। बहुत ही सुंदर शहर है आपका अंबाला, इसको और सुंदर बनाइए, सफाई का ध्यान रखिए, हम सब मिलके रखेंगे, क्योंकि तालियों का भूखा होता है कलाकार। तो आपका ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता मेरे साथ, क्योंकि अब जो इस शाम के जो मेन अट्रैक्शन है, जी हाँ भाई और बहनों, आपकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, आपके घुटने टकने के लिए, जो मच्छरों से भी ब्लड डोनेट करवा दे, कोरोना वायरस को भी रुला दे, आपके सामने और मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपने वाले इंसान, आपके फेफड़े गुर्दे चुराने वाले, बहुत सारे अस्पतालों से निकाले गए, जोरदार गालियों के साथ स्वागत कीजिए किसका? अंडमंड चंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बकवास कर रहे थे तो हम मेरे बारे में इतनी बकवास। मैं बैठी डॉक्टर साहब, आप बैठो। पैसे कौन बिठाता है यार? पहले इतनी बेइज्जती तुमने मेरी करी हुई है, जो थोड़ी कर रहे हो और बैठ जाओ तुम। सो हेलो एवरीबॉडी, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं जी, 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर उधर से भी आए हुए हैं। माई सेल्फ डॉक्टर SM गुलाटी, और यानी कि सरूर मिशूर गुलाटी मेरा नाम है, और प्यार से लोग मेरे को क्या बुलाते हैं? TTTS बुलाते हैं। TTTS क्या हुआ है? TTTS भी नहीं पता तुम्हारे को? क्या मैं बताऊं? इतना भी नहीं पता? TTTS का मतलब होता है जी, तेरा 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 सरूर, तेरह 14 15 16 17 आ गई है डॉक्टर साहब। हाँ 17 तारीख। इतने सारे लोग हैं, देखो कहाँ देखो, वहाँ भाई साहब खड़े देखो। पर मेरे को तो सिर्फ 1 2 3 4 लोग ही नजर आ रहे हैं यार, ये भी अपने ही लोग हैं। कोई टेंट वालों के साथ आया है, कोई म्यूजिक वालों के साथ आया है, ये तो सारे अपने ही हैं यार। चश्मे पे क्या चढ़ाया आपने? हाउस बोले देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो। पता है कैसा लगा मेरा मजाक? होती है जी। तो फिर आप अपने काम की बातें बताइए, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए। यस, ये तुमने काम का सवाल पूछा है जी। मेरा जी 6040 नाम से हॉस्पिटल है जी, हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और 2 कमरों का है, एक कमरा चंडीगढ़ में है तो एक दिल्ली में है। ये 6040 क्या हुआ? ले 6040 भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता इनको। 6040 में 40 तो मेरी उम्र है जी, और 60 साल का त्रिभुजा है। अरे त्रिभुजा नहीं हो
होता है वो? अरे चिरगुका तो बजाने वाला होता है यार, तकड़ 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 तकड़। तो तंबोला होता होगा फिर? तंबोला तो खेलने वाला होता है यार, वो तो खेला जाता है। तो आप ही बताइए क्या होता है वो, किस बारे में बात कर रहे हैं? दूर तक पब्लिक बैठी हुई है जी, सबको हेलो है जी। व्हाट अ बिजी डे। डॉक्टर साहब देखो आपने हॉस्पिटल खोला है। हाँ तो मेरे को शक है कि आपके हॉस्पिटल में कोई आता भी है या नहीं आता है? क्या बताओ, हॉस्पिटल में कौन नहीं आता, हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े मरीज आते हैं जी हमारे पास। अच्छा मरीजों से याद आया कि बड़े अजीबो गरीब पेशेंट भी आते हैं, बट ऐसे ही नहीं हॉस्पिटल खोल रखा मैंने। There is a reason behind it. स्पीकर लीक हो रहा है डॉक्टर साहब। स्पीकर लीक हो रहा है, ये मेरे को लगता है इधर से लीक करवा रहे हैं यार वो। यस यस वेलकम भी बनता है जी, एक बार जोरदार वेलकम। एंकर साहब आप बताइए ना, आपको पैसे नहीं मिले? बिल्कुल मरीज आते हैं, बल्कि मेरे यहाँ तो स्कीम भी चलती है, चेन सिस्टम है। अगर एक पेशेंट आता है वो आगे चार लोगों को और जोड़ता है, चार लोग एक्स्ट्रा दवाई लेकर जाते हैं। सीएमसी जो होता है ना सिस्टम, एमएलएम, वही एलएमएल वाला वही सिस्टम है जी मेरा, चेन सिस्टम है। एक पेशेंट लाओ और फिर इंसेंटिव कमाओ। आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं जी, मेरा हॉस्पिटल खुला हुआ है। बड़े नोट छाप रहे डॉक्टर साहब, बड़े नसीबों वाला हॉस्पिटल है। नहीं जी नहीं, नसीबों वाला तो वो पहले था जी, अब नहीं रहा। एक्चुअली क्या हुआ जी, नसीबों जो है चार दिन पहले मैंने उसको छुट्टी दी है, और छह महीने से उसको रोक रखा था ना। कौन नसीबो? नसीबो एक लड़की थी ना, उसको जुकाम हुआ था, तो छह महीने तक मैंने उसको हॉस्पिटल में बंदी बना के रखा। इसलिए फिर नसीबो वाला अब नहीं रहा जी। ये नसीबो वाला तो किस्सा बहुत अच्छा है आपका। हाँ। तो और भी हमारी इतनी पब्लिक आई है, तो किस्से हो जाए कुछ आपके, जबरदस्त किस्से हो जाए। अरे अरे अश्लील डॉक्टर साहब, नहीं किस्से नहीं, किससे यानी किससे कहानियां, आपने एक्सपीरियंस बताइए। मेरे को आप पता लगा। हाँ। किससे पूछ रहे हैं? डॉक्टरी के किससे पूछ रहे हैं? तो ऐसा है जी, अजीबोगरीब पेशेंट तो आते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। तो हमको एक बात बताता है जी, मेरे दूर के बिल्कुल सगे बुआ के, फूफा के, मामा के, मौसी के लड़के की जो सास है ना, उनके हस्बैंड की किडनी खराब हो गई थी जी। तो किडनी खराब हो गई, मैंने कहा जी 21 लाख रुपए लगेंगे, किडनी लीक हो रही है, वहाँ से पानी निकलता था। तो मैंने उसको सलाह दी कि आप मेरे को 21 लाख रुपए दो, मैं आपको नया हस्बैंड ला के देता हूँ। फिर मेरी बहुत पिटाई करी उन्होंने, सलाह काम नहीं आई जी। डॉक्टर साहब इतनी मार खाते हैं आप, आपको शर्म शर्म नहीं कुछ? जी मार खाने में कैसे शर्म भाई, मार खाने में स्वेलिंग आती है। मैं लेकिन डॉक्टर को दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। लेकिन एक पेशेंट के बारे में तो मैं बताना ही भूल गया यार। एक पेशेंट मेरे पास आया, मेरे को कहता डॉक्टर साहब मेरा ना पैर भारी है। मैंने कहा तू लड़का है भाई? कहता लड़का तो हूँ पर ध्यान से देखो पैर भारी है। मैंने चेक करा तो एक पैर सूजा हुआ था, स्वेल हुआ हुआ था। अच्छा अच्छा तो मैंने उसको फिर चेकअप करा, फिर मैंने दूसरे पैर का ऑपरेशन करा। दूसरे का क्यों किया? दूसरे का पैर का ऑपरेशन इसलिए करा ना क्योंकि पहले वाला तो ऑलरेडी सूजा हुआ था, दूसरे वाले पे मैंने हथौड़े मार मार के सूजा दिया। तो जब वो मेरे हॉस्पिटल में आया था, यू वोंट बिलीव, अपने पैरों से लगड़ाता हुआ आया था दोस्तों ऐसे। लेकिन जब मैंने उसको अपनी तांत्रिक विद्याओं की शक्ति से ट्रीट किया, उसके बाद उसकी चाल ही बदल गई जी, ऐसे हो गया वो। ऐसे अजीबो गरीब पेशेंट आते हैं, लेकिन खुश खुश गया था वो तो मेरे यहाँ से। लेकिन उसके बाद जब शाम को पता नहीं लौटे लपाड़े लेके क्यों मेरे हस्पताल में आ गया, मेरे को लगा शायद शबाशी वगैरह देनी होगी। तो वो शबाशी वगैरह देने के लिए मेरे को ऐसे पकड़ के लेके गए बाहर तक, घसीट दिया पूरा। अच्छा। जब इधर शबाशी दे रहे थे, मैंने कहा अच्छी बात है जी, शबाशी लेनी चाहिए, दुआ मिलती है।
फिर उन्होंने इधर शबाशी देना शुरू किया। फिर जब उन्होंने लिटा के शबाशी दी ना, तब मेरे को पता लगा ये तो मार रहे हैं यार। पिटाई हो रही थी आपकी? पिटाई हुई मेरी। फिर मैंने भी एक तरकीब खेली, क्योंकि मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, तेज डॉक्टर तो मैं हो ही। क्यों भाई, हो कि नहीं? मानता है ना आपको ऐसे ही तेज डॉक्टर? तो ऐसे तेज डॉक्टर में मैंने एक तरकीब खेली। मैंने उनको बोला अगर माँ का दूध पिया है तो एक एक करके मारो। फिर क्या, उन्होंने माँ का दूध पिया था, एक एक करके मारा। बहुत मारा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं मारी। एक बंदे ने मेरे पैर ऐसे मुंह पे रख लिया और मेरा जो मुंह है ना नीचे लग गया। मेरे मुझे सारी सारी भी नहीं निकल रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत करी। मैंने कहा भाई देख लो भाई, मार जितना मर्जी लो, लेकिन मेरे घर तक छोड़ के आना पड़ेगा तुमको। इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं बताओ आप? इसको हिम्मत नहीं बोलते डॉक्टर साहब, बेशर्मी बोलते हैं ये। नहीं, वो तो बचपन से है ना भाई, हमारा खानदान ही इसके चीज का है, तंत्र मंत्र का। तंत्र मंत्र का, लेकिन ये मार खाने से भी मैंने बचाव कर लिया है, एक तरकीब निकाली है, क्योंकि मैं डॉक्टर बड़ा स्कीमी हूँ। क्या हो? अभी भी बात नहीं आई। कौन सा डॉक्टर हो? यस, स्कीमी डॉक्टर हो, स्कीमी डॉक्टर। मैंने एक स्कीम लगाई, मैं मेडिसिन देता हूँ बड़ी सोच समझ के। मान लो जी आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है, तो आप बताइए भाई साहब, सरदार जी आप बताइए आपका फेवरेट कलर कौन सा है? बताइए बताइए। ब्लू कलर है जी। सर आपका बताइए फेवरेट कलर, आपका भी ब्लू है? वाह जी वाह, सारे ब्लू ब्लू वाले एक लाइन में बैठे हुए। आपका भाई साहब कैमरे पे भाई साहब है जो, उनका भी पूछ लेते हैं जी हालचाल। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? येलो। आपका? मेरा ग्रीन है। तो देखो जी, मैं कुछ ज्यादा एक कैलकुलेशन में नहीं पड़ता, आपको मैं ब्लू दवाई दूंगा, आपको भी ब्लू दूंगा, आपको येलो दूंगा और आपको ग्रीन दूंगा। ऐसे क्यों? There is a reason behind it. इसमें क्या मार कम पड़ती है, कल को आराम आए या ना आए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होता। मैं साफ कह देता हूँ कि भाई इसमें आपकी अपनी पसंद थी भाई। तो इसमें मेरे को मार कम पड़ती है। पसंद की दवाई, रंग से पसंद हो गई है? हाँ पसंद होती है, क्योंकि फिर मार का रिस्क कम हो जाता है, मैंने स्कीम लगाई हुई है। इसीलिए आपको पुलिस ढूंढ रही है ना? पुलिस भी मेरे को ढूंढ रही है जी। यहाँ तो नहीं आई पुलिस? पुलिस यहाँ भी आ सकती है। क्यों, वारंट निकला है आपके खिलाफ? वारंट? हाँ एक्चुअली मैंने किसी के ना गलत पजामा सिल दिया था। वो एक बात की बात, एक पेशेंट आया कहता मेरा ना पजामा गलत जगह से फट गया है। तो मैंने बोला कि भाई ये तो तू दर्जी के पास जाना, मेरे पास क्यों आया? बट उसका ट्रस्ट देखो, वो मेरे पास आया, मेरे से ट्रीटमेंट कराना चाहता था। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। डॉक्टर साहब चले गए हैं, बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब हो गए, आएंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब अपने टेस्ट कराने जाते हैं हेल्थ टेस्ट, तो 2-3 हज़ार रुपए तो आराम से सबके खर्चा हो जाते हैं ना? आराम से अगर डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिख दिए तो आपको खर्चा करने के लिए भाई सोचना पड़ता है कि हाँ भाई अब तो 2-3 हज़ार रुपये जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन आज आपको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक हम शिविर भी लगा रहे हैं, हेल्थ शिविर, जिसमें आपके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे, है ना? लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब हमारे स्पेशलिस्ट हैं तो वो स्पेशल टेस्ट करेंगे। बाकी इधर देखो इतना जोश आया हुआ है, हाउ इज द जोश? तो इन लोगों से भी एनर्जी मिलती है। डॉक्टर साहब आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते थे, क्या हालत हो गई आपकी? आपके अंदर कुछ एनर्जी नहीं है, थके? ऐसी बात नहीं कि एनर्जी नहीं है, मेरी पूरी बॉडी में दूर दूर तक एनर्जी फैली हुई है। कहीं कहीं जगह पे पिंक कलर की है, कहीं कहीं पे काली हो गई है, और कभी कभी तो मतलब ऐसा है कि मोमोज जी चटनी जैसा रंग निकलता है ना, जैसे वैसे निकलता है बॉडी में से। अरे छी 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 छी। अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो आप?
भी हाँ हाँ वो मोमोज की चटनी नहीं है वो पीक पड़ी है आपको मतलब एलर्जी है वो एलर्जी है एलर्जी यार मैं था ना डॉक्टर मेरे को क्या पता जी एनर्जी और एलर्जी के बारे में क्यों भाई मानते हो कि नहीं मानते हो अरे मेरे को शक हो रहा है आपकी डॉक्टरी पे कितने साल से डॉक्टर हो नहीं नहीं मैं साल से डॉक्टर नहीं हूँ मैं साले से डॉक्टर हूँ बेसिकली साले हाँ साले से डॉक्टर इसलिए क्योंकि वो फर्जी डिग्री बनाता है ना यही कहीं मूछ पाता घूमना होगा देखना कहाँ है आपका साला किधर किधर बैठा होगा जी नहीं यहाँ तो दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा बट टेंशन मत लो नहीं आया होगा क्या आप तो डर गया हो अच्छा तो आप देखो इतना कुछ कर रहे हैं बिजनेस आप क्या 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 बिजनेस है आपके और भी कुछ करते हो ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टरी के बिजनेस से पहले किसी और बिजनेस में नहीं था अच्छा बेसिकली मैं डॉक्टरी के बिजनेस से पहले सांप पकड़ने का काम करता था जी सांप पकड़ता था जी मैं 50-50 रुपए में घर से सांप पकड़ता था बेसिकली क्या था 10 रुपए की आपकी शक्ल है 50-50 रुपए मिलते थे हाँ यही तो मजे की बात है फिर क्यों छोड़ा इतना फायदे वाला बिजनेस फायदे का बिजनेस तो था लेकिन एक बार की बात है जी मैं एक घर में गया शादी ब्याह का सीजन था शादी ब्याह हो रहा था उस घर में चोरी करने नहीं चोरी करने नहीं सांप पकड़ने पहले मैंने अपना सांप छोड़ा उसके बाद मैं अंदर घुसा मैं कहा यहाँ से सांप पकड़ते हैं यहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे बधाई भी मिल सकती है खुद सांप छोड़ा आपने हाँ खुद ही छोड़ता था ना फिर और कहाँ से सांप आया शहरों में आजकल कहाँ सांप आते हैं बताओ आप आते हैं जब इतनी साफ सफाई हो इतना सुंदर पार्क बने हो आपके शहरों में तो क्या आएंगे सांप नहीं आएंगे ना तो जोर से बोलो ना फिर जय माता दी भाई यहाँ पर नरेंद्र चंचल का जगराता नहीं हो रहा है यहाँ पर हम कॉमेडी शो कर रहे हैं सांप 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 क्या तो सांप आता था यस सांप आता था तो सांप को जब मैंने एक बार बीन बजाई कैसे बीन बजाई मैंने ऐसी बीन बजाई ऐसी बीन बजाई उधर से ना दो सांप निकल कर आए दो हाँ दो दोनों हम शक्ल जुड़वा में नहीं आया बिच साहब कि मेरे वाला सांप कौन सा है मेरे को पता ही नहीं चला तो वहां पर जो मेरी निशानी थी वो मिट गई अच्छा। और दोनों एक जैसे लगते थे तो मेरे बहुत सांप सांपों सांप उन्होंने मेरे को लिटा के मेरी बीच तोड़ी है ना हाँ ऐसे ही मारा था अब तक याद है मेरे को तो ऐसी बीन मेरी तोड़ी है उस दिन के बाद मैंने आज ये बीन निकाली है जी सच बताऊं तो बड़ा आपकी तो जिंदगी में बड़ी टेंशन स्ट्रेस होता होगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है जी स्ट्रेस तो आजकल हर किसी को है आज देखो हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है क्यों भाई है क्या मैनेजमेंट को पार्क को मेंटेन करने का स्ट्रेस जो जो ऑफिस जाते हैं उनको अपने मैनेजरों का स्ट्रेस और जो मैनेजर है उनको नीचे वाले बंदे काम ना करे 5 बजे छुट्टी करके भाग जाए उनका स्ट्रेस तो बड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मेरे को भी ऐसे ही कभी कभार स्ट्रेस हो जाता है जी तो आप क्या करते हो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेरे पास एक बेहतरीन तरकीब है आप भी अपनाना चाहेंगे आप लोग तो आपको मैं तरकीब बताता हूँ जो मैं करता हूँ मैं क्या करता हूँ जी मैं मंदिर में जाता हूँ अच्छा पूजा अर्चना श्रद्धा सब मिलती है जी वहाँ पर लेकिन इसकी पर्पज से नहीं जाता तो मेरा पर्पज कुछ और होता है क्या पर्पज पर्पज इसलिए कि जो श्रद्धालु लोग होते हैं मंदिर में अंदर मंदिर जाते हैं ना मत्था टेकने उन लोगों की चप्पलें बाहर पड़ी होती हैं मैं उनको सारी को मिक्स कर देता हूँ इधर वाली उधर उधर वाली इधर उधर वाली उधर फिर जब पेशेंट्स यानी कि जो मरीज यानी कि जो श्रद्धालु होते हैं वो सारे के सारे ना बाहर जब आते हैं मत्था टेक के तो उनको अपनी चप्पलें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है इतनी देर तो वो मत्था टेकने में नहीं लगाते हैं जितना उनको चप्पलें ढूंढने में लग जाता है जी आपका स्ट्रेस दूर तो मेरा स्ट्रेस दूर हो जाता है उनको देख के बड़ा मजा आता है ना एक्चुअली डॉक्टर साहब आपको पता है मंदिर के बाहर कैमरे लगे होते हैं हाँ तो मैं कौन सा उस मंदिर में दोबारा जाता हूँ मैं बड़ा सच्चा देशभक्त भी हूँ और सारे धर्मों में विश्वास रखता हूँ मैं अलग अलग जगह जाता हूँ वहाँ पे यही काम करते हो आप यही काम करता हूँ स्ट्रेस तो दूर करना ही है ना फिर तो आप ये बकवास ही करते रहेंगे कि आप जिस काम से आए हैं देखो इतनी पब्लिक है यहाँ पर
कहाँ से आए? फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ भाई, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में तो मैं भूल ही गया था जी। मेरी किट ला दो भाई। किट लेके आओ, खुद लाओ। मेरी किट आ गई है जी। तो आप लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कौन कौन? तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि किट मेरे यहाँ झोला कैसे है। अरे ये क्या है? बिकॉज ये झोला इसलिए है बिकॉज आई एम डॉक्टर SM गुलाटी JCD। JCD तो सुना, JCD क्या है? JCD का मतलब नहीं पता इन लोग, इनको कुछ समझाओ। 10+2 करके शो चलाने आ गए हैं, इनको समझाओ कुछ। इसका मतलब होता है क्या होता है? झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर आज झोले में बहुत सारी चीजें लेकर आया है आप लोगों के लिए। गिफ्ट हैम्पर्स भी है भाई इसमें, जो हमारे इतने अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे रॉयल टाइटल स्पॉन्सर किंग रिसर्च एकेडमी पावर्ड बाय दिवासा, जो कि डिजाइनर बुटीक फैब्रिक्स है। साथ ही साथ स्पॉन्सर्ड बाय लेक्स मैक्स। उसके बाद पावर्ड बाय CMC। आप अपना करियर बना सकते हैं जी इसमें। और फिर रुचि एम्पोरियम को कैसे भूल सकते हैं जी, सुंदर सुंदर चीजें मिलती है वहाँ पे घर को सजाने की। तो उन सभी के जो गिफ्ट वाउचर्स हैं वो मेरे झोले में हैं। आप टेस्ट कराना मांगता है? मांगता है। किसको मांगता है? आपको मांगता है। आपको मांगता है। आपको मांगता है। आप बड़े ठंडे हो भाई, मैं तो देख के आप भी ठंडे हो गए क्या? आपको मांगता है। आप लेकिन उधर से इधर कैसे आएगा भाई? खुद क्या छलांग ना मारते ना। छलांग मारने से, छलांग से याद है डड्डू मारता होता है छलांग तो। लोग नहीं मारते क्या? नहीं नहीं, लोग छलांग नहीं मारते। जो लोग छलांगे मारते हैं वो ओलंपिक्स में जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं। अभी पुलिस आपके पीछे पड़ी थी, आप तो कितनी छलांगे मारे थे? वो फिर मैंने सीखा हुआ है ना, बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन। तालियां डॉक्टर साहब के लिए, तालियां, जोरदार तालियां। सो मेरे झोले में बहुत सारे किट का सामान है। सांप तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं, सांप मैं वहीं छोड़ कर आया है, क्योंकि उसको जोड़ीदार मिल गया था तो वो फिर दोबारा नहीं आया मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ जी आप आ जाए भाई साहब, आपका टेस्ट कर देते हैं। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लग रहा है यहाँ पे, आपको फ्री में चेकअप मिलेगा, कूपन भी जीतेंगे। इनको माइक दो जी, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ वाला माइक है, हाथ वाला माइक नहीं है। इधर वाला होता तो मैं दे देता, अपने से बात करवा देता। आ जाओ जी, आ जाओ माइक, आ जाए। फ्री हेल्थ चेकअप आपका है हमारे पास। क्या नाम है जी आपका? आवाज ऑन करो ना। ऋतिक रोशन, क्या बोला इन्होंने? हाँ, इनका नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक मल्होत्रा। अच्छा अच्छा, ऋतिक मल्होत्रा भी होते हैं? अब मुझे पता ही नहीं था, मैं ठहरा डॉक्टर, मेरे को क्या पता जी। तो मल्होत्रा साहब, आपका नाम तो बहुत अमीर है वैसे, बट आप मेरे को, मैंने आपका चेक करना है, आपका चेकअप कर दे फिर। मैंने टेस्ट करना है जी, जेंडर टेस्ट। जेंडर टेस्ट, ऐसे टेस्ट जो आज तक टीवी पे भी नहीं आए, यूट्यूब पे भी नहीं आए, आप लोग ही डालेंगे। और वैसे हम लोग, हमारी टीम भी है जी, एक्सट्रीम इमेजिनेटर्स ऑर्गेनाइजर जो है इसको पूरा शूट करा रहे हैं, और आपको अतरंगी म्यूजिक स्टूडियो में ये सारे की सारी फोटोज वीडियोज मिल जाएगी, इंस्टा फेसबुक एंड यूट्यूब पे। ठीक है जी? रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं मांगता है फोटो? तो कैमरा इनकी तरफ भी घुमाओ ना भाई, ताकि ये भी दिलचस्पी दिखाए यार फोटो वगैरह के लिए। तो इनका टेस्ट करते हैं जी, आपका टेस्ट होएगा। इधर आ जाओ थोड़ा सा लाइट में। माइक नहीं चल रहा है क्या? ये नीले वाला माइक ऑन करो भाई। ला जी, ये वैसे उनको दिया हुआ था जी, लेनी जी को। अब चलेगा, अब इसमें मंत्र कभी मंत्र मार दो। पहले क्यों आपने डक डक कर ली? अब नहीं चलेगा, बंद कर देना भाई। तो आपका टेस्ट करते हैं जी, आपका टेस्ट कौन सा है? जेंडर, जेंडर, जेंडर टेस्ट है। आपको दर्द हुआ? नहीं। तो आप मर्द है? जाओ जोरदार तालियां। मर्द को दर्द होता है? नहीं होता है। तो आपके लिए मेरे पास बहुत स्पेशल चीज है जी, झोले में से निकाल देते हैं। Yes, आपके लिए लेक्स मैक्स की तरफ से गिफ्ट वाउचर है जी। दिखाइए दिखाइए।
एक बार सारे देख लो, आपको भी बहुत सारे गिफ्ट वाउचर मिलेंगे जी। जाके शॉपिंग करें, ये 31 अक्टूबर तक है जी, दिवाली भी इसी में निकल जाएगी। तो इसमें आपका क्या है जी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान आपने खरीदना है, आप इन पे कॉन्टैक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, मेरी बातों पे ना जाएं। थैंक यू वेरी मच मल्होत्रा साहब, के लिए जोरदार तालियां। ले आओ जी माइक इधर दे दो। और कौन टेस्ट कराना चाहता है? इसने कर रही शर्म, इसके फुटे कर्म। हाँ ध्यान रखना, ऐसी नहीं बोला हुआ है। हाँ, आप इंटेलिजेंट लगते हैं जी बड़े। आपका नाम क्या है जी? अंबर। अंबर धरती सुनारी अंबर नीला। मेरे साथ साथ गाओ भाई, मेरे को गाना नहीं आता। धरती सुनारी अंबर नीला, नहीं आता ना, तो इसलिए देशभक्ति से गाओ अपने अंदर और पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना करो। 15 अगस्त आने वाली है। आपका नाम है जी? अंबर जी। आपका मैं चेक करूंगा जी, सीबीसी। सीबीसी जी पता है कैसे टेस्ट होता है? नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने करा ही नहीं। सीबीसी होता है, आप दुकान पे जाते हो डॉक्टर की और चेकअप कराते हो, सीबीसी वो आपको ब्लड लेता है, आपको चेकअप करके दे देता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्यों हिमांशु जी? हाँ, आप ऐसा कुछ है, को हर्ट नहीं करता हूँ मैं। उल्टे दिमाग के डॉक्टर हैं आप, ऐसा क्यों? उल्टी खोपड़ी का डॉक्टर हूँ मैं। तो आप मेरे को बताएं, 40 से लेकर 20 तक उल्टी गिनती बोल दो जी, जरा फटाफट से। 40 से 20 तक? हाँ, उल्टी गिनती। 29 38 37 36 37 38 37 36 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20। गलती माफ है, लेकिन जोरदार तालियां बनती है क्योंकि उल्टी गिनती का आना कोई आसान बात नहीं। आपका सीबीसी टेस्ट पास हुआ जी। आपको भी देते हैं जी झोले में से निकाल के। माइक पकड़ो, ये भी पकड़ो, इधर को नहीं इधर को पकड़ो, इसमें लोगों का डाटा है, चोरी हो गया। तो आप जाओ जी हमारी तरफ से रुचि एम्पोरियम में। ये रुचि एम्पोरियम में आपने जाना है, क्या करना है? आपका गिफ्ट वाउचर है, आपने वहां जाके 10% ऑफ लेना है। क्या लेना है? 10% ऑफ। अगर आप भी जीतना चाहते तो आप भी आया करो ना, हाथ खड़ा करा करो। तो 10% ऑफ आपको होम डेकोर पे मिलता है जी। ये बड़े बड़े एक्सपर्ट है जी ब्यूटिफिकेशन में, घर को सजाने में। और 50-100 रुपए से इनकी आइटमें शुरू है जी। तो जोरदार तालियां एक बार रुचि एम्पोरियम हमारे को फॉरवर्ड बाय स्पॉन्सर है जी हमारे। चलो थैंक यू वेरी मच जी, माइक दे दे। थैंक यू अंबर। मैं बताना चाह मैं बोलूं इधर आओ इधर खाई है इधर मैं गोच जाओ हाथ खड़े करने वाले गोच जाओगे
इसमें टेस्ट में हाथ नहीं खड़े करना, आपने अपने मोबाइल निकालने हैं जी, आपने अपने मोबाइल निकाल लीजिए। अच्छा, स्टॉक मार्केट में कौन कौन इंटरेस्टेड है, कौन कौन इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में? अमीर कौन कौन बनना चाहते हैं? अमीर तो बहुत लोग बनना चाहते हैं जी, लेकिन स्मार्टली अमीर बनना अभी कोई सीखने वाली बात होती है ना। आप बनना चाहते हैं जी, अपना फिर मोबाइल निकाल लें सारे, और सब लोग यूट्यूब खोलेंगे जहाँ पर सेमी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमारी।